यह है ब्लीच, तीसरा वॉल। इसे लिखा है टीटे कुबो ने और आर्ट भी बनाया है टीटे कुबो ने, और कवर पर है ओरिहिमे इनोए, इस सीरीज का वो कैरेक्टर जिससे बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर ने डैमसेल इन डिस्ट्रेस कंसेप्ट को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये हमेशा मदद के लिए चीखती रहती है, हमेशा रोती रहती है, जबकि इसके पास बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं। लोग इसके बॉयफ्रेंड को आकर पीट देते हैं और ये फिर भी रोती रहती है, जबकि इसके पास शक्तियां होती हैं लोगों को ठीक करने की, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालने की। बेचारे गुंडे भी खुद इसके सामने आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्लीज अपने बॉयफ्रेंड को ठीक करो, मुझे उसे दोबारा पीटना है। और ओरिहिमे का सपना है एक रोबोट बनना, और इसे तली हुई नमकीन चीजों के साथ जैम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ओरिहिमे के अलावा इस सीरीज में कई सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, बहादुर हैं और बहुत ही ज्यादा समझदार भी हैं। लीसा है, योरोइची है, सोइफोन है और हियोरी है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और बहुत ही ज्यादा समझदार भी हैं। लेकिन अगर आप ओरिहिमे को नजरअंदाज करें तो कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसमें है स्कूल जाने वाले बच्चे जो भूतों से लड़ते हैं, और इनका स्कूल वो स्कूल है जहां ये रोज जाते हैं, लेकिन जब स्कूल खत्म होने के बाद ये घर लौट कर आते हैं और घर वाले इनसे पूछते हैं कि बेटा तुमने आज क्या सीखा, तो ये बच्चे जवाब देते हैं कि कुछ नहीं सीखा, मगर स्कूल वालों ने कहा है कि कल आपको दोबारा स्कूल आना पड़ेगा। और अगर आपको ये मांगा खरीदना है तो इंटरनेट पर इसे सर्च करें और जिस भी सेलर या वेबसाइट पर आपको भरोसा है वहां से इसे खरीदें। अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।